सबसे घटिया बैकअप ऑप्शंस जो आप सभी को हर एक जगह पे सुनने को मिल रहे हैं, सबसे पहला कि अगर आपका सीयूटी में लो स्कोर आ रहा है तो किसी भी आपने आसपास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना या फिर DUSOL में एडमिशन ले लेना। द प्रॉब्लम इज कि आप सभी को वो बेहतरीन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में पता ही नहीं जो आपको लो स्कोर पे एडमिशन दे सकते हैं। सो आज गाइस आप सभी को मैं उन सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की डिटेल लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। SRCC, हिंदू, हंसराज, रामदास के अलावा भी ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो आप सभी को एडमिशन देने के लिए खड़े हैं, जिनके बारे में आप सभी को नहीं पता है, उनकी पूरी लिस्ट आगे आप सभी को मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड सेकंडली गाइस एक बहुत ही बड़ी प्रेफरेंस लिस्ट की प्रॉब्लम के बारे में आप सभी को अवेयर करना चाहूंगा, जिसकी वजह से 760 प्लस स्कोरर भी बेकार कॉलेज में लैंड कर सकता है। उस पार्ट को डेफिनेटली आपको देखना है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, JMI एंड AU को टारगेट कर रहे हैं तो ये सारी यूनिवर्सिटीज की सारी अपडेट्स विद एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद लास्ट डेट रिमाइंडर, सबसे यूनिक चीज, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, सारी अपडेट्स ऑल एट वन प्लेस ऑफ ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एग्जाम देने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा एक बहुत हाई स्कोर बनने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है या फिर घमंड में नहीं आना है। और अगर आपको एक लो स्कोर बनने वाला है तो तब भी आपको बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट या फिर एंजाइटी में नहीं आना है। एक चीज गाइस आप सभी को समझनी है कि ये पूरा काउंसलिंग का मामला टेक्निकल मामला होने वाला है, इसके अंदर कोई ह्यूमंस नहीं होने वाली कि अच्छा आपका स्कोर कार्ड आ गया, आप चले गए कॉलेज के ऑफिस में और आपका एडमिशन हो गया। नहीं, ये पूरा का पूरा टेक्निकल मामला होने वाला है। नाउ गाइस एक चीज आपको समझनी है कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो आप लोग इमीडिएटली काउंसलिंग के बाहर जा सकते हैं। पिछले साल कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ था, इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि एक यूनिवर्सिटी एम करने के बजाय आपको अपने बैकअप में भी कुछ यूनिवर्सिटीज लेके चलनी है। नाउ थ्री टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला होता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड होती है गाइस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। नाउ मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इतना इंपॉर्टेंस या फिर उनको मैं इतना कंसीडर नहीं करता हूं। हमारे लिए बचती है दो यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। नाउ सबसे पहले जिसके लिए आप लोग कम्पीट कर रहे हैं अपनी, वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो आपको जरूर से जरूर भरना है। जैसे सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं फॉर्म फिलअप करूंगा, लेकिन एज अ बैकअप मैं रखूंगा कि भाई मैं BHU का भी फॉर्म फिलअप करूंगा, फिर उसके बाद मैं JMI का भी फॉर्म फिलअप करूंगा, लेकिन अगर मैं फॉरन कोर्सेस करूं तो मैं JNU का भी फॉर्म फिलअप करूंगा। इसी के साथ साथ मेरे पास तीन बैकअप्स मेरे पास खड़े हो गए। उसके बाद अगर आप लोग यूपी बिहार से मुझे देख रहे हैं तो आप सभी को जरूर से जरूर लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म्स फिलअप करने हैं। एंड गाइस ये तीन यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिलअप करने के बाद आप सभी अगर मुझे झारखंड से या फिर हरियाणा या JNK या पंजाब से देख रहे हैं या फिर डाउन साउथ से देख रहे हैं, तो आप सभी को गाइस अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी फॉर्म फिलअप करने हैं। आप सभी के पास अपनी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ तेलंगाना, यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, आपको अपनी अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भी फिलअप करने एज योर बैकअप। आपको DU में नहीं मिल रहा, BHU में नहीं मिल रहा, JMI में नहीं मिल रहा, तो आपके पास ऐसा बैकअप ऑप्शन रहेगा एज योर स्टेट यूनिवर्सिटी। नाउ दिल्ली के स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे होंगे कि भाई दिल्ली की कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप सभी को पता नहीं है, उसका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, फंडेड डायरेक्टली बाय दिल्ली गवर्नमेंट। एक फायदा गाइस ये रहता है स्टेट यूनिवर्सिटी का कि कुछ पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व रहती हैं स्टेट के बच्चों के लिए, तो इस वजह से जैसे आपका डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डेलाइट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व होती है, तो दिल्ली के स्टूडेंट्स को आसानी से इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है। नाउ मेरा 760 प्लस स्कोर था तो मुझे इजिली पहले राउंड में मिल गया था, उसी के साथ साथ जिनका 800 to 800 आया था उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी में फिल किया था। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अपनी एम जो यूनिवर्सिटी है उसको तो रखिए, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और यूनिवर्सिटीज को एज ए बैकअप रखिए जो मैंने आपको बताया। नाउ प्रेफरेंस लिस्ट की एक गलती जो आप सभी को हाई स्कोर करने के बावजूद भी एक बेकार कॉलेज में लैंड करा सकता है। सो एक पर्टिकुलर पर्सन है जिनका 740 एक बहुत अच्छा स्कोर आया था, नाउ उन्होंने बिल्कुल भी प्रेफरेंस लिस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उसी के साथ साथ कॉलेज रैंकिंग पे भी फोकस नहीं किया कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैं कौन से कॉलेज को ऊपर रखूं कौन से को नीचे रखूं। उन्हें लगा कि भाई मेरा अच्छा खासा स्कोर आया है मुझे तो एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। नाउ उन्होंने क्या गलती करी प्रेफरेंस लिस्ट में वो आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट है। सो उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट में क्या किया, उन्होंने टॉप पे रखा कि भाई मुझे हिंदू कॉलेज चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने हंसराज कॉलेज को फिल किया। नाउ उन्होंने एक ऐसा ऑफ कैंपस का कॉलेज रख दिया जो बिल्कुल ही बेकार कैटेगरी में आता है, नाउ मैं उसका नाम नहीं लूंगा वो अच्छा बात नहीं होगा, तो तीसरे में उन्होंने वो पर्टिकुलर लो ग्रेड कॉलेज फिल कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने भरा कि भाई मुझे किरोड़ीमल में एडमिशन चाहिए, फिर रामदास कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो इस तरीके से उनकी कुछ प्रेफरेंस लिस्ट रेडी हुई। नाउ CSR एक टेक्निकल पोर्टल है, वो क्या करेगा कि भाई देखेगा कि यार आपके 740 मार्क्स हैं तो हम आपको हिंदू में एडमिशन नहीं दे सकते, आपके मार्क्स के हिसाब से हंसराज में भी आपको एडमिशन नहीं दे सकते। नाउ अब आपने तो ऑफ कैंपस फिल किया, इसमें तो आपको आराम से एडमिशन मिल सकते, इसमें तो कट ऑफ 600 जा रही है, आपके 740 मार्क्स आ रहे हैं, इमीडिएटली आपको वो कॉलेज सिस्टम जो है अलॉट कर देगा। नाउ बाद में जाके उन्हें पता चलता है कि जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा कॉलेज नहीं है। नाउ अब वो CSR को DU को रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं, मेल करे जा रहे हैं कि भाई मुझे फिर से प्रेफरेंसेस भरने का मौका दीजिए। नाउ फिर से मौका नहीं मिलता है, वो रिक्वेस्ट करने की सर जो मैंने नीचे के कॉलेजेस अलॉट किए उसको एक बार देख लीजिए, उनमें से जो मुझे मिल सकता है वो दे दीजिए, जैसे किरोड़ीमल, रामजस में उनका इजीली एडमिशन हो सकता था, बट अब नहीं हो सकता बिकॉज आपने प्रेफरेंस में ही बोल रखा है कि मुझे तीसरा जो मुझे फेवरेट कॉलेज है वो है ये पर्टिकुलर कॉलेज, अब हमने आपको अलॉट कर दिया, वो मिल चुका है, अब और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा इशू गाइस आप सभी के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से बनाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। लेकिन गाइस एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, बहुत ही बड़ा सरप्राइज आप सभी के लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, वो एक ऐसा सरप्राइज होने वाला है जो JEE और NEET के एस्पिरेंट्स को नहीं मिलता है, जो आप CUET एस्पिरेंट्स को मिलने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस कर रख लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एंड बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ी चीज आप सभी के लिए आने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो आप सभी को लो स्कोर पे भी एडमिशन दे सकते हैं।
आई थिंक गाइस ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है, मेन चीज की बताएं, मैंने आप सभी को दो और अलग इंपॉर्टेंट चीजें बता दी एंड मेरा एक सिंपल ये मेरा था कि आप सभी को मैं सारी वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट चीजें एक ही वीडियो में बता दूं, जिससे मुझे बार बार वीडियोज ना बनानी पड़े, आपको थोड़ा इरिटेटिंग ना लगे, राइट। जो बाकी पूरी लिस्ट है कितने 20+ कॉलेजेस की, ये पूरे 20+ कॉलेजेस की डिटेल लिस्ट आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहीं पे आपको सीधा एक पूरी का पूरा मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा 20+ कॉलेजेस का, जिससे आपको बार बार सुनना ना पड़े। सो ऑल इज देयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जाके ज्वाइन करके आप लिस्ट को एक्सेस कर लेना। आई होप गाइस आप सभी को ये यूनिवर्सिटी बैकअप के बारे में, ये जो प्रेफरेंस लिस्ट में गलती नहीं करनी उसकी अवेयरनेस आपको मिली होगी, एंड जो मैंने लिस्ट आप सभी को प्रोवाइड करी अपने टेलीग्राम चैनल पे वो थोड़ी बहुत आपको पसंद आएगी। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।